सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससी एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ सोमवार को भारत समेत पूर्णिया में ही बंद का असर दिखा। कई संगठनों ने बंद का समर्थन किया। इसके तहत कई पार्टियां और संगठन के कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतरे और एससी एक्ट में बदलाव की मांग की। संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पूर्व की तरह लागू किया जाए। हम लोग को आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, कॉलोनी चाहिए हम लोग को। आदिवासी नहीं है बोलता, इसलिए हम लोग आदिवासी को दिखा रहे हैं। आरक्षण में क्या क्या मांग है आप लोग? आरक्षण में क्या मांग है कि सबको जॉब होना चाहिए आदिवासी का। मैं जीती हिंदी हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णिया में। हमारे सभी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णिया के छात्र छात्रा हैं। हम इन लोगों को लेके जा रहे थे यहाँ विद्या विहार पारवा स्कूल में हिंदी की परीक्षा दिलाने के लिए। क्लास 12 के हमारे बच्चे हैं, लेकिन दो तीन रास्ते से हम लोग जाने की कोशिश किए, लेकिन सब जगह जो है बंद का व्यापक असर है। कई जगह हम लोग सफल भी हुए, गाड़ी हम लोग की आगे भी बढ़ी, लेकिन फिर हम लोग को बैक होना पड़ा। अंततः हम लोग को जाने के लिए नहीं दिया गया और अब हम लोग बैक होकर जो है अपने नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं। सरकार से सीबीएसई हम लोगों की से गुजारिश है, अपील है कि इन लोगों की परीक्षा जो है दोबारा कंडक्ट की जाए। आज हम लोग का हिंदी की परीक्षा थी और हम लोगों को नहीं जाने दिया गया, और कहीं कहीं किस्म में जाने भी दिया गया, कहीं कहीं रोक दिया गया जाम की वजह से। इसलिए हम लोग अपील करते हैं सीबीएसई से और सरकार से कि हम आज हिंदी की परीक्षा कैंसिल कर दी जाए और दोबारा नहीं। क्या लग रहा है बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ हो रही है इस तरह का? हाँ, हमारे ये भविष्य का सवाल है। आज अगर हम एग्जाम नहीं दिए तो हमारे रिजल्ट रोक दिए जाएंगे, हम लोग कंपटीटिव एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे।